अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी मैंगो आइसक्रीम। जी हाँ, होममेड मैंगो आइसक्रीम। मार्केट में भरपूर मीठे रसीले आम आए हुए हैं, तो चलिए आज हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 4 आम लिए हैं। इसे हम छील कर इसका गूदा निकाल लेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ली हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह व्हिप क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं अमूल क्रीम ले रही हूँ। ये मैंने लिया है 250 ml कंडेंस मिल्क। जितनी हमारी फ्रेश क्रीम थी उतना ही मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ये मेरा होममेड है। अगर आप इसे बनाना चाहें तो मेरा वीडियो चेक कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देती हूँ, कर लें। और उसके साथ ही ये देखिए, आम को छीलकर मैंने इसे मिक्सी में डालकर बगैर पानी के बिल्कुल इसका गाढ़ा सा ये देखिए पल्प बना लिया है। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाली थी। तो ये आम की हमारी प्यूरी तैयार है। तो अब हम बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम बड़ी ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये मैंने पूरी फ्रेश क्रीम डाल दी, ये देखिए। अब इसे हम बीट करेंगे। फ्रेश क्रीम जो थी ये मेरी बिल्कुल ठंडी थी। अब इसे हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी। अब मैं आपसे कह चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो इसे विप क्रीम में बना सकते हैं, लेकिन चूंकि विप क्रीम हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैं इसे अमूल की फ्रेश क्रीम में बना रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हो। तो क्रीम मेरी बिल्कुल ठंडी है और इसे हम हाई स्पीड पे क्रीम को अच्छे से जो है बीट कर लेंगे। ये मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हो, सिर्फ हैंड बीटर में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, ये क्रीम जो है मेरी थोड़ी सी फ्लफ़ी हो चुकी है। बस इसे इसी तरह हम करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारी क्रीम जो है अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें मिलाना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैं आपसे कह चुकी हूँ, ये मेरा होममेड है। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है। मैं इसे अक्सर बना के घर में फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालकर हम 1 मिनट के लिए और इसे बीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसका रंग जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। कंडेंस मिल्क डालने की वजह से मैं इसमें शक्कर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है। तो बस इतना काफ़ी है, ये देखिए। और उसके साथ आम भी हमारे मीठे हैं। तो ये कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे मैंगो प्यूरी। आम को छीलकर मिक्सी में डालकर मैंने इसका प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसे डालकर बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंगो प्यूरी को मैंने बिल्कुल अच्छे से क्रीम में मिला दिया। परफेक्ट, देखिए कितना स्मूथ हमारा जो है ये आइसक्रीम का बैटर तैयार है, बहुत ही परफेक्ट। इसे अब दोबारा से 1 मिनट के लिए हम अच्छे से बीट कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं। देखिए कितनी बेहतरीन हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो रही है। और ये आखिर में मैं इसमें थोड़े से मैंगो के पीसेस डाल देती हूँ। ये आइसक्रीम में खाते वक्त जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस कट किए थे मैंगो के, और ये भी मैंने इसमें मिला दिए। अब इसे हमें फ्रीज़ करना है, तो पहले हम अच्छे से मिला लें। अब इसे हम फ्रीज़ करेंगे, तो मैं इसी तरह इसे फ्रीज़र में रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया। अब इसे हम ये देखिए, हमारी ये आइसक्रीम जो है अभी मुकम्मल नहीं जमी है। ये देखिए, इसमें लिक्विड है, साइड से ये जम रही है और दरमियान से नहीं। तो इसे अब हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से आइसक्रीम जो है बिल्कुल परफेक्ट जमती है
और बिल्कुल क्रीमी रहती है। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दरमियान का साइड का आपस में मिला लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, देखिए ये बैटर हमारा बहुत ठंडा बहुत गाढ़ा है। अब इसे हम आइसक्रीम के बॉक्स में डालेंगे, आप जिसमें जमाना चाहें इसमें डाल दें। ये देखिए पूरा आइसक्रीम का बैटर मैंने इसमें डाल दिया, इसे हल्का सा टैप कर देंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर पेपर या बेकिंग पेपर जो आप चाहें। ये देखिए इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, ऐसा करने से आइसक्रीम के ऊपर जो है वो क्रिस्टल आइस के नहीं जमते हैं। तो इस तरह कर देंगे और इसे हम बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए। तो तकरीबन हम इसे 6 से 8 घंटे के लिए रखेंगे, आपने फ्रीज़र के मुताबिक रखें। 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था और ये बिल्कुल परफेक्ट जो है जम चुकी है हमारी मैंगो आइसक्रीम। ये देखिए ये इसका मैंने पेपर निकाला, तो ये देखिए कितनी शानदार हमारी आइसक्रीम तैयार है। तो चलिए इसे अब हम झटपट सर्व करते हैं। तो ये स्पून को मैंने थोड़े से पानी में पहले डिप कर लिया ताकि आसानी से आइसक्रीम हमारी निकल जाए। आइसक्रीम बिल्कुल सख्त जमी हमारी, ये देखिए बहुत ही क्रीमी बहुत ही टेस्टी। बस देखते ही खाने दिल कह रहा है इसे। तो देखा आपने मैंगो आइसक्रीम बनाना कितना आसान है और बिल्कुल आसानी से ये मार्केट की तरह घर में हमारे तैयार हो जाती है। तो क्यों ना हम इसे घर में ही तैयार करें। तो चलिए अब देर किस बात, आप भी इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। और साथ में अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, साथ में हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।